अब सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। मैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल में एक चिकन रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये वाला रेसिपी देखने के लिए आप लोग ज़रूर मेरे साथ एंड तक बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे ये तैयार करती हूँ। ये बनाने के लिए मैं 300 ग्राम चिकन ली हूँ और इसमें ऐड करूँगी 5 टेबल स्पून अदरक, लहसुन, काला मिर्च, हरी मिर्च और जायत्री जायफल का पेस्ट। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक घंटा के लिए ढक के रख देंगे। तो प्याज को हम काट के रखे हैं, सबसे पहले इसको फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हम इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल लिए हैं और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज को हम निकाल के रख लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई में हम लोग फिर से 6 टेबल स्पून ऑयल लिए हैं और उसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखे थे वो मैरिनेट वाला चिकन इसमें दे देंगे और इसको हम ढक के कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। हम इसमें अब नमक दे देंगे स्वाद अनुसार और इसमें हल्दी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और दे रहे हैं रेड चिली पाउडर। चिकन जब फ्राई हो जाएगा तब हम इस प्याज को ऐड कर देंगे जो प्याज हम पहले से फ्राई करके रखे थे और हम देख लेंगे अगर चिकन ठीक से बॉयल नहीं हुआ होगा तो हम थोड़ा सा पानी इसमें देंगे और इसको फिर से कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। ये वाला चिकन आप राइस और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। आप लोगों के सामने ये गर्मा गर्म चिकन रेडी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।